व्यूअर्स, आज हम CBR में आपको एक घर का विजिट कराने आए हैं। आप देख सकते हैं इसका फ्रंट एलिवेशन, निहायत खूबसूरत घर। हम इसकी सड़क का व्यू भी कराते हैं आपको। सड़क देखते हैं आप, इसका गेट, और हम इसके कारपोर्च एरिया में भी, इसमें दो बड़ी गाड़ियां और दो छोटी गाड़ियां इधर, और एक छोटी गाड़ी आप इधर भी पार्क कर सकते हैं। भी इसके ड्राइंग रूम का डोर, ये इसका फ्रंट डोर, और ये दरवाज़ा जो है इसका फर्स्ट फ्लोर की तरफ जाता है। अभी हम बाथरूम उसका विजिट करेंगे, पहले मैं आपको दिखाता हूँ ये गैलरी जिसमें तमाम कमरों की विंडोज खुल रही हैं। ये छोटा सा पाउडर रूम का, इसमें आपको सिंक मिलता है और आपको एक कमोड मिलता है छोटा सा इंग्लिश सीट। हम चलते हैं इसके मेन विजिट की तरफ। इसका मेन दरवाजा, इसके अंदर एंटर होते हैं व्यूअर्स। इसकी आप सीलिंग भी देख सकते हैं, और सीलिंग जब हम इसके अंदर एंटर होते हैं, इसके दर्शन करते हैं, खुला बड़ा सा आपको टीवी लॉन मिलता है, एक खूबसूरत सीलिंग के साथ खूबसूरत पंखे, फैंस, और एक वेल डेकोरेटेड वॉल वुडन और वॉलपेपर से तैयार करता। बस आप देख सकते हैं, आपको बाहर से ये आपको वॉलपेपर लग रहा होगा, इस विंडो के अंदर, इस निश के अंदर जो है वो टाइल्स लगाई गई हैं। सामने इसकी आगे मीडिया वाल आप देख सकते हैं, काफ़ी खुली स्पेस। नीचे आपको ड्रॉज मिलेंगे, साइड पे बड़ी अलमारी टाइप जगह मिलेगी जहाँ पे आप अपना सामान रख सकते हैं। फिर चलते हैं हम इसके किचन की तरफ। जाएगा इसका किचन, ये खूबसूरत वॉल से टाइलों से जिस पर टाइलें लगाई गई हैं। सामने वेंटिलेशन विंडो, ये इसका चूल्हा, ये इसका हुड, और सामने वॉशिंग एरिया, ये इसकी सीलिंग, इसमें आप अपनी तमाम एसेसरीज रख सकते हैं, छोटा मोटा सामान सारा इसमें रख सकते हैं आप। व्यूअर्स आप चलते हैं हम इसके फर्स्ट बेड की तरफ। व्यूअर्स जा गया इसका फर्स्ट बेड, एक अच्छी डेकोरेटेड वॉल, इसके अंदर भी टाइल का इस्तेमाल हुआ है। इसकी सीलिंग देख सकते हैं आप, निहायत खूबसूरत सीलिंग। इसमें जो सबसे बड़ी अच्छी बात मुझे लग रही है, ये एक ह्यूज कैबिनेट है 6 डोर के साथ, जिसमें आप जितना मर्जी कपड़े रखना चाहें उतने कपड़े रख सकते हैं। ऊपर भी सीपे जहाँ पर आप अपने कंबल, रजाइयाँ, तकिए, जो चाहे रख सकते हैं। विवजी आ गया इसका वॉशरूम, इसका भी विजिट करते हैं। विवजी ऑफ वैनिटी, ये आपको यहाँ पर डबल सीट मिलेगी, कमोड भी मिलेगा और दूसरी सीट भी मिलेगी। वेंटिलेशन विंडो, शावर, या आप इसकी सीलिंग देख सकते हैं, काफ़ी खूबसूरत। हम चलते हैं इसके दूसरे बेड की तरफ। व्यूअर्स, काफ़ी खुले कमरे और हवादार कमरे। व्यूअर्स ये देखें, जब हम आ गए हैं इसके सेकंड बेडरूम की तरफ। व्यूअर्स ये देखें, एक खुला कमरा,
सीलिंग देख सकते हैं आप इसकी, वेंटिलेशन विंडो, इधर भी एक बड़ी अलमारी चार दरवाजे के साथ। इसका पहले वॉशरूम देख लेते हैं हम, इसकी वैनिटी, और आपको यहाँ पे कमोड मिलेगा, जबकि पिछले से वॉशरूम में हमें डबल सीट मिली थी। इसका दरवाजा जो पीछे गैलरी की तरफ खुलता है, इसे आप थोड़ा सा सहन भी कह सकते हैं, और गैलरी भी बजे इसका वॉशिंग एरिया। फिर जब हम चलते हैं इसके थर्ड बेडरूम, आ गया इसका थर्ड बेडरूम। बस काफी अच्छा काम हुआ इस घर में जो है, काफी अच्छा काम है। यहाँ भी आपको फोर डोर की एक बड़ी कैबिनेट मिलेगी, इसका वॉशरूम, इधर भी एक कमोड मिलेगा, वॉश बेसिन, शावर, से काफी अच्छा घर बना है। हाई बाई टाई की टाइल लगी है सारे फ्लोर पर, जो काफी वाइट और व्हाइट और ब्लैक का कंट्रास्ट है इसमें। थ्रू आउट घर में यही टाइल लगी है। अभी बस वैसे हम सब इसके ड्राइंग रूम की तरफ, बस इसका ड्राइंग रूम आ गया है। मैं इसकी लाइट ऑन कर लूँ जरा, क्योंकि सामने आपको वेंटिलेशन विंडो नजर आ रही है, इसका मेन डोर, और इसकी एक खूबसूरत सी सीलिंग, एक डेकोरेशन वॉल, और इसमें भी आपको टाइल्स मिलेंगी, अच्छा सा फानूस, और ये अच्छे से खूबसूरत से पंखे। जैसे पिछला को देखते हैं, जब हम देखते हैं इसके फर्स्ट फ्लोर की तरफ, ऊपर जा रहे हैं, इसकी साइड पर नॉन स्टेनलेस स्टील की रेलिंग लगाई है। जैसे आप सीढ़ियां चढ़ते हैं ऊपर, आपको एक छोटी सी लॉबी नजर आती है, दाएं तरफ टेरेस का एरिया, जो हाफ कवर किया है व्यूअर्स इन्होंने, और ये हाफ टेरेस जो है ये ओपन है, ये देख सकते हैं इसका व्यू आप, काफी खूबसूरत नजर आ रहा है। हम चलते हैं इसके टीवी लॉन्च की तरफ, ये खूबसूरत सी बॉल, पहले लाइट हम और भी ऑन कर लेते हैं सारी, ताकि अच्छा व्यू मिल सके। देखिए आप इसको, इसकी भी सीलिंग बहुत खूबसूरत सीलिंग है, इसकी भी ये खूबसूरत बैंक की हुई वाल, ये इसकी मीडिया वाल, जो कि नीचे वाली वाल से थोड़ी मुख्तलिफ है। इसका आ गया है किचन, आप देख सकते हैं किचन जैसा नीचे है सेम वैसा ही ऊपर किचन बना है इनका, देख सकते हैं आप इसकी। इसमें भी आपको फिर ड्रॉज मिलेंगे, चूल्हा मिलेगा, हुड मिलेगा, सिंक एरिया, और एक बड़ी सी वेंटिलेशन विंडो। बिकॉज ये किचन आम घर के किचन से बहुत बड़ा किचन है, नीचे भी बड़ा किचन है, ऊपर भी बहुत बड़ा किचन है, उसी तरह बड़ा कमरा, इसे आप मास्टर बेड भी कह सकते हैं, क्योंकि इसका साइज बहुत बड़ा साइज है इसका। इसका नीचे ह्यूज अलमारी, ह्यूज कैबिनेट, इस तरह इधर भी एक ह्यूज कैबिनेट, बाथरूम, यहाँ भी आपको वेनिटी मिलेगी,
प्लस कमोड प्लस इंडियन सीट प्लस शावर वेंटिलेशन विंडो, ये बस आपको एग्जॉस्ट फैन में मिलेगा जो छत में कंसीड है। ये इसका व्यू, बस थर्ड बेडरूम आ गया। अच्छी खूबसूरत सीलिंग के साथ बड़े साइज का कमरा है ये, बस बड़ी अलमारी, वॉशरूम, इसमें भी आपको एक कमोड, वॉश बेसिन, शावर और मिरर वगैरह सब मिलते हैं। फिर हम चलते हैं इसके ड्राइंग रूम की तरफ। ये सामने आपको वेंटिलेशन विंडो मिल गई, दीवार काफी खूबसूरत सीलिंग, एक अच्छा खूबसूरत फानूस, अच्छे खूबसूरत पंखे। अब हम चलते हैं इसके टॉप रूफ की तरफ। ये इसकी छत का दरवाजा, ये आपको एक इसमें सर्वेंट रूम में मिलेगा जिसका दरवाजा ममटी से ही खुलता है। हम आपको इसका छत का व्यू करते हैं। इसकी एक बड़ी सी छत जो वाटर टैंक मिलेगा आपको। तभी बस हमारी आज की वीडियो खत्म होती है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी। शेयर, लाइक, सब्सक्राइब कर दीजिएगा।